हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, और त्रिभुज का परिमाप 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द इक्वल लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग साइड, इक्वल साइड्स, जो बचे हुए दो बराबर साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उनकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या हम यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, कोई एक ट्रायंगल है जो कैसा है, समद्विबाहु है, कैसा है, आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो इक्वल, दो बराबर भुजाएं, और आइसोसेल्स मतलब भी टू इक्वल साइड्स, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वही क्या होते हैं तुम्हारे आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं। अब हमको ये दिया है, बेस दिया गया, आधार दिया गया, यानी ये चीज दी गई, ये कितनी है 4/3 सेंटी, सॉरी ये दिया गया है हमको कितना, हाँ 4/3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम इसको मान लेते हैं यस, इसको भी क्या मान लेते हैं यस, कभी भी अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो ये इसको 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 सबको क्या कर लेंगे हम लोग, सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे जो आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना है, लेकिन हमको लेंथ भी निकालनी है। सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड, तो लिखेंगे क्या, लेट द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग साइड्स इक्वल साइड्स, इक्वल क्या हो जाएगा, यस सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और लिखेंगे क्या, माना माना बराबर भुजाओं की लंबाई, माना बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर यस सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या राइट करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, कह क्या रहा है, कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3 एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग साइड्स, इक्वल साइड्स ना, तो हमेशा याद रखो, कभी पेरीमीटर निकालना हो तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, इन यानी तीन साइड्स है ना, किसी का भी निकालना हो, जितनी भी साइड है वो सबको सम कर लो, सबका एडिशन कर लो, सबको जोड़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ तीन साइड है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, इसको 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 तीनों का ऐड कर लेंगे, परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लो यहीं पर अगर चार साइड्स दी गई होती, ये तो इसको 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 ऐड कर लेते, परिमाप यानी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता। मान लो यहाँ पे ये होता, ये तो यहाँ पे क्या करते, इसको 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 सबको ऐड कर लेते, क्या निकल जाता, पेरीमीटर निकल जाता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल, यानी त्रिभुज का
बराबर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर इसको प्लस इसको कर लो प्लस ये कर लो, 4/3 यानी 4/3 ये हो गया। और वही वही चीज सेम इसमें भी लिखना है, हिंदी मीडियम है तो वही रहेगा, x प्लस 4/3 हो गया। अब बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का परिमाप कितना है, ये है 4/2/15 इक्वल 1 या c है यहाँ पर मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1, पावर दोनों की सेम यानी सेम है, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 यस, और प्लस 4/3 हो गया। अब क्या करते हैं, 4/2/15 है मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका एडिशन करिए, 15 4 16 और प्लस 2 करिए 62/15 इक्वल 2 यस प्लस 4/3 हो गया। ये पूरा इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज दैट 2 यस प्लस 4/3 इक्वल 62/15। अब ये उधर ले जाइए यानी हो जाएगा 2 यस इक्वल 62/15 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 4/3, तो 2x है 2x इक्वल 15 एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 3 के अभी निकाले अगर एलसीएम हम तो क्या आएगा 15 और 3 का तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 यानी 5 1 जा 5 और 1 तो 5 3 जा 15 यानी एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। तो 62 है इनटू 15 का टेबल पढ़िए कि 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 1 जा 15 माइनस है माइनस 4 × 3 का टेबल पढ़िए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 5 जा 15 हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे इसके सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, यानी ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल 62 1 जा 62 माइनस 4 5 जा 20 अपान 15 है 15, तो 2x इक्वल 62 में से 20 माइनस करिए 2 में से 0 गए 2, 6 में से 2 गए 4 यानी 42 अपान 15 हो गया। तो x इक्वल इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, जहां पे कोई साइन नहीं होती वहां कौन सा साइन होता है यानी मल्टीप्लाई का, तो ये 2 उधर जाएगा किस में जाएगा डिवाइड यानी 42 अपान 15 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी x इक्वल आ जाएगा क्या आपका, एक काम करिए यहाँ पे नहीं काटते हैं थोड़ा साइड में काटते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो अपान हो जाएगा 15 इंटू 2 तो अब हम लोग चलते हैं देखते हैं इसको काट के देखते हैं एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 42/15 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 3 5 जा 15 3 7 जा 21 यानी क्या हो जाएगा 7/5 कितना आ जाएगा x इक्वल 7/5। अगर आप चाहें तो 7 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये आपका यानी 1/2/15 यहाँ पर जो यहाँ पे रहता है यहाँ पे ये होल में लिखा जाता है ये ऊपर रहेगा ये नीचे जाएगा मतलब x इक्वल हो जाएगा 1/2/5 सेंटीमीटर। अब क्या लिख लेंगे, अब लिखेंगे आपका जो क्वेश्चन कह रहा था वही हम इसको राइट करेंगे, राइट क्या करेंगे द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स इक्वल यक्स यानी यक्स इक्वल कितना आ गया 1/2/5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बराबर
भुजाओं की लंबाई बराबर 1/2/5 cm। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू, पढ़ते रहिए आराम से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती